So good morning friends, welcome to PD classes. Today a very important session for all those who want to make their career in PN interview. Students, ये जो मेरा session है आज, इसमें सबसे पहले तो मैं हमारी candidate को thanks देना चाहूँगा जिन्होंने participate किया, ये एक mock session है उन बच्चों को benefit देने के लिए जो PN interview के लिए जा रहे हैं. Students, आप अच्छे से जानते हैं that there is great fourth class jobs where there are abundant of interviews. जहां पर आपको इंटरव्यू देना ही है और शायद आज आप मैडम को जरूर थैंक्स देंगे इस पर्टिकुलर सेशन के लिए जिन्होंने बहुत हेल्प करी आपके लिए. सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि भाई एक पीएन का पर्टिकुलर वर्क क्या होता है आपके हिसाब से. सर, जो पीएन का जो सबसे पहला वर्क है वो जो भी विजिटर वगैरह आते हैं उनको नोट करना कि कौन कितने टाइम पे आ रहे हैं, उनका टाइम वगैरह भी नोट करना और कितने लोग वगैरह आ रहे हैं, एंटर हो रहे हैं. मैंने ऑफिस है जैसे, तो कितने विजिटर अंदर आ रहे हैं और उनके जाने का टाइम है, ये सब नोट करना. इसके अलावा कैमरा वगैरह देखना, चेक करना कि लोग कहीं चोरी छिपे वगैरह तो नहीं इधर से उधर आ रहे हैं, या कुछ सामान वगैरह इलीगल सामान वगैरह तो अंदर नहीं लेके आ रहे हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना. इसके अलावा बेवरेजेस का वगैरह ध्यान रखना और जैसे टी कॉफ़ी वगैरह फास्ट प्रोवाइड करना. इसके अलावा जो विजिटर आ रहे हैं उनको ऑफिस तक लेके जाना. मान लीजिए उनको ऑफिस का नहीं पता तो, या रूम नंबर अगर उनको कंफ्यूजन थोड़ा हो रहा है तो उसको वहां तक पहुंचाना भी पीओन का ही काम होता है. बहुत अच्छा नॉलेज है आपको. मुझे ये बताइए कि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पर कभी कभी व्यक्ति जब काम कर रहा है तो उस दौरान उसको हर तरीके के माहौल से निकलना पड़ता है, तो कभी कभी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक पीएन से जरूर पूछना चाहिए कि भैया आप अपने एंगर को कैसे मैनेज करते हो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा कि शायद आपकी गलती ना हो और एम्प्लॉयर ने आपको कुछ कह दिया, उस समय आपका एंगर मैनेजमेंट कैसा है, तो मैं ये जानना चाहूँगा अपने एंगर को कैसे मैनेज करती हो. सर, सबसे पहले हमें उनकी बात को सुनना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं. अगर हो सकता है कई बार कि उन्होंने जो बात कही वो सही है लेकिन बोलने का वे कई बार गलत हो जाता है, तो इस चीज़ को समझिए, थोड़ा लाइट वेट में रखिए और अपना गुस्सा शांत करने की कोशिश कीजिए. और अगर मान लीजिए कि वो आपकी गलती पे ही आपको डांट रहे हैं तो डेफिनेटली आप उनको सॉरी कह के बहुत पोलाइटली बात कीजिए और अगली बार उस काम को सही तरीके से करने की कोशिश कीजिए. वेरी गुड, आपकी सोच बहुत अच्छी है. अब मैं जानना चाहूँगा कि देखिए बहुत बार ऐसा होगा कि कई बार एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो मेरे एक स्टूडेंट से पूछा गया था कि आप पर अगर चोरी का इल्जाम लग जाए तो आप क्या करेंगे, तो आपके हिसाब से क्या आप इसके अंदर बोलना चाहेंगे. सर, अगर ऐसी कोई सिचुएशन मेरे पे आती है तो डेफिनेटली मैं पुलिस वालों का और ऑफिस वालों का साथ दूंगी, उनकी हेल्प करूंगी कि सर अगर चोरी हुई है तो प्लीज़ आप, मैं इसमें आपकी हेल्प करूंगी कि वो चोर जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए, और गुस्से पे कंट्रोल रखूंगी, एकदम कीप और काम रहूंगी ताकि उस चीज़ पर गौर किया जाए और उसको ध्यान से समझ कर वो ढूंढा जाए कि जहाँ किसने चोरी किसने की है. तो इनमें उनका मैं पूरा पूरा साथ दूंगी और गुस्सा बिल्कुल भी नहीं मानूंगी. और कैमरा वगैरह लगे हुए हैं तो डेफिनेटली मुझे गुस्सा करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं जब गलत ही नहीं तो कैमरा वगैरह तो लोगों को दिख ही जाएगा. क्या क्या चीजें हैंडल करनी आती है आपको, कैमरा वगैरह? सर, मुझे कैमरा वगैरह हैंडल करना आता है, इसके अलावा कंप्यूटर वगैरह की भी मैं नॉलेज रखती हूँ. वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप जानते हैं ऑफिस के अंदर फायर एक्सटिंग्विशर भी होता है. यस सर, सिक्योरिटी अलार्म भी होता है. बिल्कुल सर, फायर एक्सटिंग्विशर्स वगैरह का ध्यान रखना और अलार्म वगैरह का ध्यान रखना. इसके अलावा भी कैमरा वगैरह की जो रिकॉर्डिंग है उसको भी ध्यान में रखना कि वो स्टार्ट हुई है या नहीं हुई. इसके अलावा भी जो लोगों का टाइम टेबल है वो उसको भी मैनेज करना, कंप्यूटर पर भी मैनेज करना, उसको डिटेल उसकी नोट करनी, ये सब काम मुझे आते हैं. वेरी गुड, पार्किंग मैनेजमेंट इज वन ऑफ द अनदर वर्ड व्हिच आई कैन से फॉर पीएन. That this is also very necessary for you people. Parking management word, that is a particular कि आपको manage करना आता है कि नहीं आता parking, that is also very necessary. अब मैं ये जानना चाहूँगा आपसे that why, what quality you are having particular कि हम आपको select करें. सर, मैं लॉयल हूँ, जैसा कि चोरी की बात अपने शुरू हुई कि मैं इसके लिए लॉयल हूँ, तो मैं अपना काम अच्छे से करूँगी और चोरी वगैरह का जो भी काम है अगर कोई मेरे साथ ही कोई ऐसे करते हैं तो डेफिनेटली उन पर एक्शन लेने की भी मैं हिम्मत रखती हूँ कि अगर वो ऐसा कुछ काम करेंगे तो उनके आगे मैं शिकायत कर दूंगी, उनके खिलाफ जो भी है एक्शन वगैरह करेंगे. इसके अलावा मैं पंचुअल भी हूँ, अपने काम को पूरा अच्छे से करूंगी, डिटेल्स वगैरह अच्छे से नोट करूंगी. ये नहीं कि कोई विजिटर आ रहा है और मुझे नहीं पता लग रहा उनका टाइम वगैरह आने और जाने का, कितने मेंबर्स आएंगे, ये सब नोट अच्छे से कर पाऊंगी. वेरी गुड, आप जानते हैं कि आप एज अ पेन अगर वर्क करते हैं तो आपको बहुत से लोग अपना काम करवाने के लिए ब्राइब करने की कोशिश करेंगे और बहुत लोग रिश्वत देंगे, कहेंगे भाई मैडम हमारा काम पहले करवा दीजिए या कुछ भी है,
तो क्या आप उसको एक्सेप्ट करेंगे? नहीं सर, मैं रिश्वत के बिल्कुल खिलाफ हूँ, और मैं जैसा मैंने कहा मैं लॉयल हूँ, तो डेफिनेटली मैं रिश्वत नहीं लूँगी और अपने काम को पूरी ईमानदारी से करूँगी। ओके, आप में कोई वीकनेस है? सर मैं लिटिल इमोशनल हूँ। ओके, पर आपने बताया कि आप देखिए इमोशनल है, तो प्रॉब्लम ये होगी कि आपके जो इम्प्लॉयर है अगर वो आपको कुछ कह देते हैं तो आप जल्दी से मतलब रो देंगे या आप दुखी हो जाएंगे, ऐसा होगा? नहीं सर ऐसा नहीं है, जैसे अपने पहले भी बात हुई इस बारे में कि अगर वो कुछ कह रहे हैं तो मैं उसको ध्यान से सुनूंगी, हो सकता है उसमें मेरी कोई गलती हो तो उसको मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी। Okay. और अगर बिना गलती के मुझे डांट रहे तो मैं उनको समझाने की भी कोशिश करूंगी कि सर इसमें मेरी गलती नहीं थी। चलिए मान लीजिए कि हमने आपको सिलेक्ट कर लिया और आपका जो टाइम है वो 9 o'clock है, आपका जो ऑफिस का टाइम है वो 9:30 का है, आपको 9 o'clock पहुंचना है। अब एक बार ऐसा हुआ कि आप 9 बजे की जगह 10 बजे पहुंच रहे हैं, आपको आपके सीनियर के द्वारा कहा गया कि आप लेट क्यों हुए, आपने एक रीजन दिया और वो रीजन सच्चा था, इट वॉज ए जेन्युइन रीजन कि सच में ऐसा कुछ हुआ था जिसकी वजह से आप लेट हो गई। उन्होंने उस रीजन को एक्सेप्ट कर लिया, मगर अगले दिन आपके साथ फिर वही सिचुएशन हुई और आप फिर लेट हो गई, अब फिर 10 बज गए और आप ऑफिस के अंदर हैं, अब आप एम्प्लॉयर को क्या कहेंगे? सर मैं उनको सबसे पहले सॉरी बोलूंगी कि सर मेरे से नेक्स्ट टाइम फिर ऐसी गलती हुई थी। तो आपने पहले दिन भी बोला था, लेकिन उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि सर आगे से मैं इसका अच्छे से ध्यान रखूंगी कि ये लाइफ में कभी भी ऐसा मेरे से ना हो, और अगर होता है तो प्लीज मैं आपको कॉल वगैरह करके या आपको इन्फॉर्म कर दूं कि सर आज मैं आधा घंटा लेट हो जाऊंगी। वेरी गुड, यानी कि आप इस चीज को मैनेज कर लेंगी इजीली, ऐसा नहीं है कि आप हौचपौच हो जाएंगी या फिर? नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं होगी, मैं घबराऊंगी नहीं, डेफिनेटली अपनी बात आगे रखूंगी और उनको इन्फॉर्म भी पहले कर दूंगी कि सर आज मुझे काम हो सकता है तो मैं आधा घंटा लेट हो सकता हूं। ओके, अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके ऑफिस के अंदर कोई नया मेंबर आ रहा है और आपको उन्होंने मेटल डिटेक्टर दिया हुआ है कंपनी वालों ने कि आपको कोई भी आएगा पहले मेटल डिटेक्टर से चेक करना है कि वो व्यक्ति कहीं कोई पिस्टल वगैरह तो नहीं लेकर आ रहा, कहीं कोई ऐसा चीज़ तो नहीं लेकर आ रहा, कोई स्मगल्ड चीज़ तो नहीं ला रहा, कुछ ऐसी चीज़ नहीं ला रहा है जैसे कोई हीरोइन वगैरह अपने साथ। तो आपने जब मेटल डिटेक्टर से चेक करने की सोची तो वो व्यक्ति बोल रहा है कि मैडम मैं जल्दी में हूँ, मैं मेटल डिटेक्टिंग नहीं करवाऊँगा, मुझे अंदर जाने दीजिए, तो आप क्या करेंगे? सर मैं उनको रोकूंगी क्योंकि मेरी ड्यूटी है कि मैं उसको मेटल डिटेक्टर से चेक करूं। बिल्कुल, क्योंकि मुझे अगर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इस तरह की है कि क्योंकि ऐसा हो सकता है कई बार कि लोग कई तरह की जो इलीगल चीजें हैं वो अंदर लेके जा सकते हैं, तो जिससे बाकी लोगों को भी खतरा हो सकता है, तो ये मेरी ड्यूटी है कि मैं उनको चेक करूँ और उनको प्यार से कन्वेंस करूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी कि सर प्लीज आप चेक करवाइए, और अगर वो फिर भी चेक नहीं करवाते तो सर मैं डेफिनेटली उनको अंदर नहीं आने दूंगी। ओके, शीनम का मीनिंग क्या होता है? सर शीनम का मीनिंग है खुश रहना। ओके, तो आप अपने नाम के अनुरूप हैं? यस सर बिल्कुल हूँ, मैं हमेशा बहुत खुश रहती हूँ। वेरी गुड, और मैं आपकी हॉबीज के बारे में जानना चाहता हूँ। सर मेरी हॉबीज है बुक्स वगैरह पढ़ना, नए नए लोगों से मिलना, अच्छे अच्छे दोस्त वगैरह बनाना। Okay. और सर मैं कहीं भी जाती हूँ अपने दोस्त बना लेती हूँ। वेरी गुड, और आप में आपने बताया लॉयल बहुत हो आप काम के प्रति, इसके अलावा कोई ऑनेस्ट कोई ऐसी चीज आपके अंदर जो सच में हो? सर मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ काम के लिए। Okay. और मैंने अपना काम हमेशा जहाँ पहले भी किया बहुत ईमानदारी से किया है, और रिश्वत वगैरह की भी जहाँ बातें आती है मैं कभी भी नहीं लेती हूँ, तो ये मेरे लिए प्लस पॉइंट है। कभी ऐसी सिचुएशन हुई है कि आपके ऑफिस में पुलिस आई हो? सर हुआ था एक बार जब कोई चोरी की बात हुई थी। Okay. तब हमारे ऑफिस में पुलिस आई थी। Okay. बट वो किसी और पे चार्जेस लगे थे और वो जल्दी पकड़ा भी गया था। Okay. तो मैंने उनकी उस टाइम पे हेल्प भी की थी। वेरी गुड, यानी कि आप हेल्पफुल हो और कोऑपरेटिव हो। यस सर बिल्कुल, दैट्स वेरी गुड। अब आपने बताया, जैसे मैं हमारे व्यूअर्स से भी बात करना चाहूंगा कि पीपल आर थिंकिंग ओनली इट इज प्रोवाइडिंग द जॉब, इस तरीके की है कि टी और कॉफी प्रोवाइड करना है, जस्ट क्लीनिंग स्वीपिंग, नो इट इज नॉट दिस टाइप। एक पर्टिकुलर पीएन का वर्क जो होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भरा हुआ होता है, अगर वो है तो ऑर्गेनाइजेशन स्मूदन चल रहा है। यही फर्क है हमारे सोच का कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी व्यक्ति, अगर कोई भी व्यक्ति काम कर रहा है तो वो व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। Yes. अगर वो व्यक्ति रेगुलर रहता है तो ये बहुत अच्छी बात है और ये जरूरी भी है, जैसे उन्होंने बताया ये लॉयल पर्सनालिटी है, तो अपने आप को लॉयल रखना या फिर काम के प्रति जुझारू रखना, दिस इज वेरी नेसेसरी आई कैन से इन टुडे सिनेरियो। नाउ माय मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन टू यू इज कि ऐसी क्या क्वालिटी आपके अंदर है जो आपको दूसरों से अलग करती है?
सर मैं लॉयल हूँ ओके और इसके अलावा ऑनेस्ट भी हूँ राइट तो जो मुझे दूसरों से अलग बनाती है ओके मींस आपका लेवल ऑफ ऑनेस्टी इतना है कि आप 100% ऑनेस्ट यस सर जो आपको डिफरेंस क्रिएट करती है दूसरों से यस सर और मैं काम के लिए काफी मतलब हमेशा एनर्जी से भरपूर रहती हूँ अब मुझे ये बताइए कि मान लीजिए आप ऑफिस में हैं और आपको मोबाइल फोन आता है अब आपके मोबाइल पर जब कॉल आती है तो उस समय आप एक इम्पॉर्टेंट काम कर रही हैं चाहे वो कंप्यूटर को क्लियर करना हो चाहे कुछ भी हो चाहे और नहीं तो हम ये कह सकते हैं कि भाई आप कॉफ़ी तैयार कर रहे हैं बट आपको एक कॉल आता है वो कॉल आपके किसी फ्रेंड का है तो आप क्या ऑप्ट करेंगे विल यू ऑप्ट टॉकिंग ऑन फोन और विल यू ऑप्ट डूइंग योर प्रोफेशनल वर्क सर मैं अपने प्रोफेशनल वर्क पर भी फोकस करूंगी okay. और उनको मना करूंगी कि जब मेरा ड्यूटी टाइम है तो प्लीज़ मेरे को कॉल वगैरह मत कीजिए क्योंकि ड्यूटी है जो मेरी ये मेरी हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी से भरी हुई है कई बार ऐसा होगा कि सर मैं अगर कॉल पे लग गई और कोई भी इलीगल तरीके से अंदर एंटर हो जाएगा और मुझे पता नहीं लगा इस चीज़ का और कुछ गलत काम हो जाएगा तो उसके एलिगेशंस वगैरह मेरे पे भी लग सकते हैं तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर मैं कॉल वगैरह नहीं अटेंड करूंगी और उनको पहले ही मना कर दूंगी कि प्लीज़ मेरी ड्यूटी के टाइम आप मुझे कॉल्स वगैरह मत कीजिए या फिर मैं अपनी कॉल साइलेंट पे रखूंगी ओके वेरी गुड साइलेंट बहुत अच्छा मुझे मोटो लग रहा है दूसरी बात कि मान लीजिए आपके वहाँ विजिटर आते हैं और वो आपको अननेसेसरली आपसे बात करते हैं आपको परेशान करते हैं तो आप इस प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करोगी आप एम्प्लॉयर को शिकायत लगाएंगे या खुद ही हैंडल कर लेंगे सर मैं खुद ही हैंडल करूंगी ये बात एम्प्लॉय तक ही या ये कह लीजिए मेरे तक ही ठीक किया मैं आगे तक नहीं पहुंचने दूंगी okay. और उस चीज़ को बहुत प्यार से हैंडल करूंगी उनको रिक्वेस्ट करके बोलूंगी कि सर प्लीज़ ये गलत है तो आप इस चीज़ को मत कीजिए okay. और अगर बहुत हद तक जब ये बात आगे आ गई तब जाके मैं उनको इन्फॉर्म करूंगी ओके okay. अब मान लीजिए आपके ऑफिस के अंदर कोई व्यक्ति है जो आपने बताया आपको कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज है और कोई व्यक्ति फाइल्स से गड़बड़ कर रहा है और आपको मालूम चल गया कि ये इस फाइल को इधर ट्रांसफर कर रहा है इस फाइल को इधर कर रहा है कुछ गड़बड़ कर रहा है तो आप क्या क्या स्टेप लेगी सर पहले तो मैं उनको रोकूंगी चीज़ काम करने के लिए कि okay. ये इलीगल काम है जो आप मत कीजिए okay. और अगर वो रुकते हैं तो मैं ये आगे बात नहीं पहुंचाऊंगी और उस चीज़ को वहीं ख़त्म करके उस चीज़ को सही कर दूंगी और अगर वो चीज़ को नहीं मानते तो फिर उनके खिलाफ मैं एक्शन लूंगी ओके वन ऑफ माई स्टूडेंट्स इन बिहार जिसका बिहार ग्रुप डी का इंटरव्यू था विधानसभा ग्रुप डी का इंटरव्यू उस गर्ल को बोला गया कि मान लीजिए आप शी वॉज ऑल्सो लाइक कंप्यूटर लिटरेट कि मान लीजिए कोई कंप्यूटर से छेड़खानी कर रहा है और इधर की फाइल उधर कर रहा है और आपको मालूम चल गया कि ये गड़बड़ चल रही है तो उस गर्ल का आंसर मुझे बहुत अच्छा लगा था एट दैट टाइम शी रिप्लाइड द इंटरव्यूअर उसने मुझे बाद में बताया शी टोल्ड कि सर यदि मैं उस व्यक्ति को वहां रोकती हूँ कि आप ये मत करो तो हो सकता है वो व्यक्ति उस समय रुक जाए और वो काम ना करे हाँ और मुझे इंप्रेस करने के लिए वो व्यक्ति एक बार उस काम को छोड़ दे और बाद में जब मैं वो वहां ना हूं तब वो व्यक्ति उस काम को कर डाले और वो खराबी कर दे yes, तो मेरा ये मानना है उस लड़की ने जो आंसर दिया मैं आपको बता रहा हूँ उसने कहा सर मैं उस व्यक्ति को कुछ भी नहीं कहूंगी जो व्यक्ति ये काम कर रहा है मैं सिर्फ ये देख लूंगी कि वो व्यक्ति गड़बड़ कर रहा है बस अब मैं ये जो शिकायत है ये इसी लेवल के अथॉरिटी के मेंबर को बताऊंगी हायर अथॉरिटी के मेंबर को जो सच में एक्शन ले सकता है इसके अगेंस्ट क्योंकि मैं अगर उस व्यक्ति को बताती हूं तो वो मुझे शो करने के लिए हो सकता है ये काम थोड़ी देर के लिए रोक दे जब मैं हायर अथॉरिटी को बताऊंगी तो बिल्कुल वो पूरा डीपली चेक करेंगे एक एक चीज चेक करेंगे कैमरे के अंदर भी बात आई भी होगी हर बात जब चेक होगी तो ऑब्वियस है कि हम कल्प्रिट तक पहुंच सकते हैं और शायद कल्प्रिट इससे भी कोई बड़ा हो वो yes, सिर्फ एक मोरा हो एक छोटा सा मोरा हो जो काम कर रहा हो बाकी कल्प्रिट क्या आपका कोई और भी बड़ा हो yes, तो वो कल्प्रिट तक इजीली पहुंच सकते हैं हायर अथॉरिटी क्योंकि उनके पास पावर है वो कोई भी क्वेश्चन सामने वाले से पूछ सकते हैं जो मैं नहीं पूछ सकती मैंने कहा आपने बहुत अच्छा आंसर दिया और रियली प्राउड ऑफ यू आपने जो आंसर दिया वो बहुत अच्छा था तो कई बार आपसे मैं खास करके पीएन इंटरव्यूज के लिए यही कहूंगा सिचुएशनल बेस्ड जिसे हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस बोलते हैं ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं उस दौरान आपके अंदर गट्स होने चाहिए दोस्तों कि आपके पास एक ऐसा आंसर होना चाहिए जो इंटरव्यू को इम्प्रेस करे बताएंगे सब मगर आप थोड़ा सा एनालिटिकल स्किल लगाकर अगर आंसर देते हैं यू कैन मैनेज एंड यू कैन गिव अ बेटर आंसर देन एनी अदर राइट चलिए मुझे ये बताइए कि आपने बताया कि आप काम करने में ऑनेस्ट रखते हैं और आपने आपको फ्रेंड्स बनाने बहुत अच्छे लगते हैं तो आप अपने करियर में प्रोफेशनल करियर को ज़्यादा वेटेज देती हो या पर्सनल करियर को सर मैं अपनी दोनों लाइफ को मेंटेन करके ही चलती हूँ ओके पर्सनल भी और प्रोफेशनल भी आप अकेले काम करके पसंद है या किसी टीम में
सर मैं टीम वर्क में ज़्यादा पसंद रखती हूँ, मेरी रुचि उतनी में ही है कि टीम वर्क होगा तो अच्छे से काम हो पाएगा और टाइम पे हो पाएगा। वेरी गुड। वैसे तो दोस्तों ये जो आंसरिंग मैं पूछ रहा हूँ, क्वेश्चनिंग और मैडम आंसरिंग कर रही है, ये सब आपके लिए, तो मैं यहाँ पर एक और बात आपको बहुत अच्छी बताना चाहूँगा, शायद आप इस बात से बहुत इंप्रेस हो और आपको फ़ायदा मिले। वो ये दोस्तों कि बहुत से इंटरव्यू में आपसे भी कल पूछा जा सकता है, वुड यू लाइक टू वर्क अलोन और इन अ टीम। At that moment, if you state, sir, I am ready to work alone when necessary. I don't need much constant reassurance. But if required, my preference is always towards working in a team. And I am a team spirit person. I don't try to hog all the credit. आपने क्या कहा हिंदी में सुनिए? आपने कहा सर अगर जरूरत पड़ती है तो मैं अकेले भी काम कर सकता हूँ, मुझे कॉन्स्टेंट रीएश्योरेंस की जरूरत नहीं है, पर मेरी प्रेफरेंस भी टीम में काम करने की है क्योंकि मैं टीम स्पिरिट पर्सन हूं। अब दोस्तों ऐसा आपने क्यों कहा? अच्छा आंसर, क्योंकि अगर आप कहते हैं मैं अकेले काम कर सकता हूं इसका मतलब आप सेल्फिश हो, और अगर आप कहते हो टीम में इसका मतलब आप डिपेंडेंट हो। तो इंटरव्यूअर थोड़ा सा उलझा देता है आपको इस काम में, इस क्वेश्चन में, तो आपका फर्ज बनता है कि आप दोनों बातों को रख कर लेकर, जैसे मैडम ने पहले बोला आपके सामने कि प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों इंपॉर्टेंट है सर, yes, और मेरा मानना है कि दोनों लाइफ अच्छी चलनी चाहिए, उसी तरीके से अगर जरूरत पड़ती है तो इफ नेसेसरी आई एम रेडी टू वर्क अलोन, अगर आप इस तरीके की बात कहते हैं तो वेल एंड गुड, इट सूट्स मोर। चलिए मेरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे कि आपके वर्किंग आवर्स के अलावा अगर हॉलीडे में कभी आपको बुलाया जाए कार्य के लिए तो क्या आप मना करेंगे या आप आ जाएंगे कार्य करने के लिए? सर मैं काम पे आ जाऊंगी। ओके, आपका ऐसा क्यों मानना है कि आपको आना चाहिए? सर हो सकता है वो काम मुझसे ही रिलेटेड हो या वो मेरा ही काम बाय चांस रह गया उस टाइम पे, तो डेफिनेटली मैं आऊंगी और उस काम को पूरा करके ही जाऊंगी। यहाँ पर मैं मेरे स्टूडेंट्स को एक बात कन्वे करना चाहूंगा कि बहुत से स्टूडेंट्स से, इवन मेरे कई स्टूडेंट्स से ये पूछा गया था कि अदर देन वर्किंग आवर्स अगर आपको बुलाया जाए कभी हॉलीडे के दिन या कोई भी दिन तो क्या आप आ जाएंगे? तो बिल्कुल आपका फर्ज बनता है दोस्तों, और इन्होंने बहुत अच्छा आंसर दिया कि सर हो सकता है वो काम मेरे द्वारा ही पूरा हो सकता है मेरी उसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो कार्य में। अब मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा यहां पर कि एक छोटा सा मिनियल वर्क के लिए कैसे किसी व्यक्ति की इंपॉर्टेंस हो सकती है, इस इंटरव्यू में भी वो व्यक्ति की बहुत इंपॉर्टेंस हो सकती है। कैसे दोस्तों? कि मान लीजिए हॉलीडे के दिन भी क्लाइंट्स आ रहे हैं तो क्या उनको बेवरेजेस नहीं चाहिए? क्या उनको वो अटेंशन और केयर नहीं चाहिए जो एक सिक्योरिटी गार्ड की होनी चाहिए, जो एक पर्टिकुलर ऐसे व्यक्ति की हो जो उस एरिया को मैनेज करता हो या जिस पर डिपेंडेंट हो? क्या पार्किंग की जरूरत नहीं है वहां पर? एक पार्किंग मैनेजमेंट व्यक्ति की जरूरत है उस समय, पर्टिकुलर उस व्यक्ति की जरूरत है जो नोट करे कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है, उसके मोबाइल नंबर नोट करे, क्योंकि नई टीम आ रही है, नए लोग आ रहे हैं, छुट्टी का दिन है तो क्या हो गया, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो मेरा मानना है कि जितने भी मैंने क्वेश्चंस हमारे कैंडिडेट से पूछे हैं आप प्लीज ट्राई अप करके जाइएगा, दिस विल डेफिनेटली हेल्पफुल टू यू। रियली प्राउड ऑफ यू फॉर आंसरिंग कॉन्फिडेंटली। आप में इतना कॉन्फिडेंस कैसे है? सर मैं मेरे को बहुत नॉलेज थी इस चीज़ के लिए पहले भी, और मैंने एक दो जगह वर्क भी किया तो डेफिनेटली मेरी नॉलेज भी बढ़ गई है। वेरी गुड। तो अब आप मुझे बताइए कि आपने जब वर्क किया तो आप ऑलरेडी वर्क कर रही थी तो फिर आप इस तरफ क्यों शिफ्ट होना चाहते हैं? आप ऑलरेडी जब वर्क कर रहे हैं, इज इट नॉट गुड? सर हर एक इंसान अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस वगैरह चाहता है। ओके। तो मैं भी कुछ चेंज वगैरह करना चाहती थी, अपने आप को इम्प्रूव करना चाहती थी, इसलिए मैंने वो जॉब छोड़ के आज ही नई जॉब में आना पसंद किया। वेरी गुड। यू वांट समथिंग ग्रोथ इन योर करियर। यस सर। दैट्स वेरी गुड। वी आर प्राउड ऑफ यू। सो आई होप दिस सेशन वाज गुड विद द कैंडिडेट एंड होप दिस विल बेनिफिट टू ईच एंड एवरीवन। प्राउड ऑफ यू।